नोएडा से हैं मंजू जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम, जी नमस्कार हकीम नमस्कार, साहब जी। आदाब, जय हिंद। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछने हैं। मेरा पहले भी आपसे बात हो चुकी है, तो जी एक तो मेरा इस पे है कि मैंने काली गोंद आपके यहाँ से मंगवाई थी, तो खा रही हूँ, मुझे काफी फर्क है। फर्क ऐसा है कि जैसे सुबह उठती थी, मतलब शरीर एकदम अकड़ा हुआ सा रहता था, तो वो सब नहीं है। मतलब आराम से उठती हूँ, ऐसा कुछ नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो वही है। और मेरे ना आजकल पेट में दर्द है, तो मैं वो आपका जो एक चूर्ण है, धनिया और ये मेथी और उसमें आंवला वगैरह, तो उसमें मैं कई बार नींबू थोड़ा सा काला नमक डाल के खा लेती हूँ, क्योंकि पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत अपा रहा है। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं गोंद सिया ले रही हूँ, तो उसके साथ खट्टा खाना मना है, तो मैं वो क्या खा सकती हूँ? एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा, मैंने कुछ दिन पहले पूछा था आपसे कि मेरे हस्बैंड के चेस्ट पे एक छोटी सी गिल्टी है, वो मतलब काफी पुरानी है, 6-7 साल पुरानी समझ लो होगी। तो पहले वो एक चने के दाने की तरह थी, फिर वो बढ़ गई है कि मान लीजिए कंचे जितनी है। तो आपसे बात की थी, आपने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा है, तो वो गोली सी बनी हुई है, लेकिन वो जैसे उसके ऊपर हाथ लगाते हैं, फिर थोड़ा सा उसको स्मेल करते हैं, तो लगता है इसमें से कुछ स्मेल आ रही है। ऐसे उसमें कुछ दिखता भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, कुछ उसमें से निकलता भी नहीं है, पर ऐसे लगता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ चलाओ और फिर थोड़ा सा मतलब नाक के पास लेके जाओ, तो लगता है कि उसमें कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है। और तीसरा ये है कि मुझे कुछ पहले हुआ था, फिर ठीक हो गया, कि जैसे रात को मतलब 2-3 बजे इतनी भूख के कारण नींद खुल जाती है, कि मतलब भूख से नींद खुल जाती है, जो कि बहुत अजीब सा लगता है। तो उससे मैं खाती तो कुछ नहीं हूँ, पर क्या ये शुगर की मतलब पहचान है कि मुझे डायबिटिक होने वाली हूँ मैं क्या? मतलब ठीक है। नींद जो है इतनी मतलब लगता है कि बहुत के भूख लगी है, और रात को 2:30-3 बजे या सुबह 3-4 बजे, और ऐसा नहीं रात को अच्छे से पेट खाना खा के सोती ही हूँ। तो मुझे प्लीज बताइए इसका क्या किया जाए। जी ठीक है, क्या सवाल का जवाब दूं? जी पहला सवाल है, गौंसिया के साथ क्या ये खट्टा खा सकती है जो ये नींबू का इस्तेमाल कर रही है? हाँ, देखिए, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो खट्टा नहीं खा सकते, और वो अक्सर वो लोग होते हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। तो जो नींबू है ना, ये यूरिक एसिड ही है, तो यूरिक एसिड का अगर इलाज कर रहे हैं तो नींबू ना खाएं। आप खा सकते हैं, आपको अच्छा भी लगता है शायद, और खट्टा तो महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हैं। और क्या सवाल? हाँ, गिल्टी है इनके हस्बैंड के, लेकिन वो स्मेल करती है। देखिए, वो एक बड़ी बात नहीं है, आप पत्नी हैं तो फिक्र तो करेंगी। इसका आसान इलाज ये भी है कि इसे निकलवा दें, वो ज़रा सा इंजेक्शन उस जगह पर लगा के उसको निकाल देते हैं, तो वो आसानी से निकल जाती है, बहुत बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो उसी जगह पर, यहाँ पर इंजेक्शन देते हैं और वो जगह सुन हो जाती है, उसे निकाल के बैंडेज कर देते हैं, ये फिक्र की बात नहीं है। और क्योंकि बहुत पुरानी है इसलिए वो कोई ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी होती तो कोई ना कोई ख़तरा अभी तक हो जाता। उसको सुखाने की भी दवा है, लेकिन आप खाते खाते थक जाएंगे, फिर आप शिकायत करेंगे अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा ख्याल ये है कि आप उसको इग्नोर करें या निकलवा दें। तीसरा सवाल है कि नींद में भूख लगने से आंख खुल जाती है। हाँ, भूख लगना अच्छी बात है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ होने वाली होती है उनको प्यास लगती है रात में, तो भूख के साथ अगर प्यास भी लग रही है तो आप डायबिटीज़ का ख्याल रखें। अगर सिर्फ भूख लग रही है, तो मेरी भी आदत है कि जब आँख खुल जाती है, जब भी भूख लगती है और जाके सब सोते होते हैं, फ्रिज में बढ़ के कुछ खा लेता हूँ, और प्यास भी है तो फिर आप फिक्र कर सकते हैं। और क्या सवाल? बस ये तीन सवाल थे हकीम साहब इनके। हाँ, आपको दर्द में तो फ़ायदा शुरू हो ही गया, आपने गौंसिया लिया, आपको भगवान ने फ़ायदा देना शुरू कर दिया, ये धीरे धीरे फ़ायदा करता है, अपने समय पर जाकर आपको पूरी तरह फ़ायदा मुमकिन है। बस हिदायत वही है कि आप मेहनत ज़्यादा ना करें,
झाड़ू पोंछा ना करें, और ये वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल रखें तो आप जल्दी फायदा हो सकता है आपको। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।